मेरा नाम इम्तियाज अहमद हुआ, मैं सुगौली प्रखंड का निवासी हूं और शुक्र पकड़ पंचायत से बिलोंग करता हूं और राजद का मैं नेता था, अब नहीं हूं। अब जन सुराज मेरे मन और तन में बस चुका है। हम अपने पूरे समाज को कहूंगा कि सभी लोग मिल करके जन सुराज को आगे बढ़ाएं ताकि विकास हो और बिहार में भुखमरी गायब हो जाए, ताकि लोगों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और आपको मकान चाहिए, हर चीज का व्यवस्था। एकमात्र यही एक पार्टी आई है जो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, स्वयं जनता के बीच जा कर के अपना काम करना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चंद वर्षों में जन सुराज हमारे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका झंडा लहराएगा। मैं इस चीज को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आज मैं टोटल समाज में घूम घूम करके जन सुराज के बारे में मैं साझा करूँगा। तो अब आपने आरजेडी छोड़ दिया? जी, आरजेडी पक्के छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं। जन सुराज में क्यों जुड़ गए? जन सुराज मुझे अच्छा लगा, विचारधारा इनका अच्छा लगा, गरीबों के हित में काम करने का जो व्यवस्था इनका है, जो उन्होंने हमको बताया, वो आईने के जैसे साफ बात है। हम लोग कब तक बिकेंगे? आज तक तो बिकते ही आ रहे हैं, मगर अब बिकना नहीं है, खुद लीडर बनना है और काम करना है। जन सुराज में हम उम्मीद करते हैं कि हम जुड़ करके काम करेंगे, एक न एक दिन हमारी भी कामयाबी बुलंदी छुएगी। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अमीन राजन। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलवतिया के। अभी प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, मिलकर कैसा लगा आपको? हमको बहुत बढ़िया लगा। कैसे? क्योंकि जो सुझाव है वो जनता की हक में है, उनको जो सुझाव है, जो नीति है वो जनता की हक में है। जनता के नाहक में डालना नहीं चाहते हैं, जनता को खुशहाल रखना चाहते हैं। तो इस विचारधारा के आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी, साथ साथ चलेंगे। दिल जान से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वलीउल्लाह शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलवतिया, सुकुल पागल पंचायत। अभी प्रशांत किशोर से आपकी भी मुलाकात हुई, मिलकर कैसा लगा उनसे, क्या बातचीत हुई? मिलने के बाद तो यही पता चल रहा है कि कितना दिन से हम लोग एक पार्टी में गुलाम बन के रहे, जो हम लोग का समस्या होता था तो समस्या हल नहीं होता था उस पार्टी से। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जन सुराज पार्टी में जो हम लोग का मुद्दा हो तो मुद्दा पर काम, कुछ ना कुछ काम निकलना चाहिए। बहुत मुस्लिम में गरीब परिवार से लोग हैं, बच्चा को पढ़ाई लिखाई रहन सहन के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हम लोग जब से होश हुआ, जब से बिहार में कोई रोजगार नहीं हुआ, इसलिए इस पार्टी पर भरोसा जन सुराज पर रखते हैं लोग। इस पार्टी को जिताए लोग, इस पार्टी के पीछे साथ में साथ मिलकर चले लोग। मैं डॉक्टर फरोज आलम, प्रखंड सुगौली दक्षिणी मनसिंगा का निवासी हूँ। और ये जन सुराज जो गांधी जी का जो सपना था कि ऊंच नीच छोटा बड़ा सबको एक साथ लेके चलने का, इन्होंने प्रशांत किशोर जी ने जो काम किया है वो गांधी जी के सपना को ये साकार करना चाहते हैं। और इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने जो सपना देखा है या दिखाना चाह रहे हैं वो गांधी जी का सपना है, इनका सपना नहीं है। वो गांधी जी का विचार रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों का दायित्व बनता है हर आदमी इनको सपोर्ट करे कि सबको, हर समाज के लोगों को एक साथ लेकर चले। और इनके विचार से हम इतना सहमति हुए, इतना खुश हुए कि हम इनसे मिलने आए। और मैं भी किसी दूसरे पार्टी का पहले था, लेकिन अब इनके विचार से चूंकि इतना सहमत है कि ये होना चाहिए और ये मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाली बात होना चाहिए, एक तरफ वाली बात नहीं होना चाहिए। और राजनीति जो ये पार्टी वो पार्टी जात के नाम पर हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और हमारे प्रशांत जी ने जो योजना बनाया है वाकई में काबिल तारीफ है और इसका मैं सराहनीय करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।